लिए फोन कॉल करके दबाव बनाया था कि हमारे कुछ व्यक्तियों को आप रखिए वरना इसका अंजाम बुरा होगा अगर आप ये नहीं करें। ऑडियो क्लिपिंग की पहचान जब पिंकू यादव को पकड़ा जाएगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद SHO खगौल, SHO दानापुर, SHO रूपसपुर, साथ ही साथ SHO फुलवाड़ी, इनकी एक विशेष टीम बनाई गई थी जो कल जो है अभियान चला उसमें इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। 6 और अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं, शूटर्स की पहचान हो गई है। साथ ही साथ पिंकू यादव जो है अभी फरार है उनके विरुद्ध भी पुलिस जो है कार्रवाई करेगी, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को, मैं अभिषेक है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार पुलिस अब RJD के विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव को भी पाताल से खोजकर निकालकर पकड़ेगी। बिहार पुलिस की ओर से यह ऐलान हुआ है क्योंकि आपको पता है कि 22 अगस्त को 9:55 पर जब ऑफिस जा रहे थे एम्स के सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर PN राय, उन पर गोलीबारी की गई थी, गाड़ी पर गोलीबारी की गई थी, खगौल थाना क्षेत्र में गोलीबारी की गई थी। इस घटना को लेकर बिहार पुलिस लगातार एक्टिव है, विशेष टीम भी बनाई गई थी, इस पूरे मामले में रीतलाल यादव से पूछताछ भी की गई थी और अब इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। दरअसल गार्ड की बहाली में कमीशन खोरी का ये पूरा मामला है, जहां गार्ड की बहाली में रीतलाल यादव का भाई 50% रुपए लेता था, 60,000 रुपए में बहाली की जाती थी और उसका 50% पैसा जो है वो रीतलाल यादव का भाई पिंकू यादव लेता था। इसका खुलासा सिटी SP पश्चिमी ने किया है, अभिनव धीमान ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से इसमें खेल होता था और दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो एम्स के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शूटरों की भी पहचान की गई है और जल्द शूटरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं अभिनव धीमान, पहले आप वो सुनिए। दिनांक 22/8 को एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें फुलवाड़ी और खगौल के बॉर्डर पे एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर PN राय द्वारा ये बताया गया कि वो जब ऑफिस के लिए निकले थे घर से अपने एक गार्ड और ड्राइवर के साथ, तभी एक बाइक पे 3 अपराधकर्मी आए और उनकी गाड़ी पे जो है पीछे से हमला कर दिया। इसी क्रम में तुरंत थाने द्वारा रिएक्ट किया गया, वहाँ पे पहुँचे घटनास्थल पर दोनों ASP दानापुर, ASP फुलवाड़ी घटनास्थल पर पहुँचे और पाया गया कि जो PO है वो खगौल थाना अंतर्गत जहाँ पे एम्स डी का फ्लाईओवर उतरता है वहीं पे अप्रोच रोड के पास ही घटना कारी की गई थी। तो खगौल में एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जितना प्राथमिकी के अनुसार प्रकाश में आया वो ये पता लगा कि जो आरोप है वो ये है कि हाल फिलहाल में जो कोलकाता में आज ही कार में एक रेप केस हुआ है, उसी के बाद जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर द कंट्री वहाँ पे सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं उसमें बहाली की जा रही है, उनको सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में एम्स में भी जो प्राइवेट सिक्योरिटी देखती है, सिक्योरिटी सर्विसेज सॉल्यूशंस बरेली करके एक कंपनी है वहाँ से वो देखती है, उन्हीं में करीब 25% बहाली एक्स्ट्रा की जानी थी, तो करीब 50-60 लोगों को एक्स्ट्रा बहाल दिया जाना था। इसी में जो PN राय हैं वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एम्स के, उनके ऊपर जो है वो दबाव बनाया जा रहा था कुछ व्यक्तियों द्वारा कि आप जो हैं हमारे लोगों की बहाली कीजिए। इसी में उनको 19 तारीख को एक फ़ोन कॉल आया था, फ़ोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम जो है वो पिंकू यादव बताया था, वर्तमान विधायक दानापुर के वो सगे भाई हैं और उनने ये फ़ोन कॉल करके दबाव बनाया था कि हमारे कुछ व्यक्तियों को आप रखिए वरना इसका अंजाम बुरा होगा अगर आप ये नहीं करेंगे। साथ ही साथ उसी कॉन्वर्जेशन में इसका पूरा फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस के पास वादी द्वारा दिया गया है। इसकी पहचान ऑडियो क्लिपिंग की पहचान जब पिंकू यादव को पकड़ा जाएगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद इन दोनों वॉइसेस को जो है वो मैच किया जाएगा, लेकिन उसके बाद पुलिस द्वारा जो है वो इसमें एक और व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम गुड्डू यादव था जो सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर एम्स में ही कार्यरत हैं। उसी के साथ वादी द्वारा एक और व्यक्ति पे शक जाहिर किया गया जिसका नाम राजकुमार है जो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे एम्स सिक्योरिटी में ही कार्यरत हैं। राजकुमार के ऊपर एम्स में मारपीट का एक केस फुलवाड़ी थाना अंतर्गत मार्च महीने इसी साल में किया गया था, एक सिमिलर इंसिडेंट सामने आया था जिसमें बहाली को लेके दबाव बनाया जा रहा था। उसी क्रम में एक धनंजय कुमार व्यक्ति हैं जो भी गार्ड के तौर पे वहाँ पे कार्यरत थे, उनको साथ मारपीट की गई थी, तब से ये राजकुमार जो है वो फरार चल रहे थे। इन्हीं सभी व्यक्तियों द्वारा, क्योंकि PN राय इन व्यक्तियों की जितने भी दो अभियुक्त हैं और अन्य अभियुक्त हैं
उन सभी की बात नहीं मान रहे थे, उनको जिन विशेष व्यक्तियों की ये बहाली चाह रहे थे उनकी लिस्ट जो है वो मंजूर नहीं कर रहे थे। इसी क्रम में एक छोटी सी साजिश के तहत ये सभी लोग पिंकू यादव के पास गए और उनको बताया कि आपके व्यक्ति और हम जो लिस्ट दे रहे हैं उन व्यक्तियों की बहाली पीएन राय द्वारा नहीं की जा रही है। तभी पिंकू यादव द्वारा एक अभियुक्त जो इसमें राजकुमार हैं उन्हीं के फोन से कंपनी के जो जनरल मैनेजर हैं डीएल राय उनको फोन किया गया, उनको बोला गया कि आप काइंडली हमारे व्यक्तियों को बहाल कीजिए। उनके द्वारा बताया गया डीएल राय द्वारा कि जो मेडिकली और फिजिकली फिट कैंडिडेट्स हैं उसकी सूची हम उपलब्ध नहीं कराते हैं, वो फॉरवर्ड जो होती है वो पीएन राय द्वारा की जाती है, तो काइंडली आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद पिंकू यादव ने अपने ही फोन से जो धमकी भरा कॉल पीएन राय के पास किया था उसमें उनको धमकाया, उनको बोला कि हमारे लोगों को बहाल कीजिए नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उसी क्रम में एक साजिश बनाई गई जिसमें 22 तारीख को जो है वो घटना प्रकाश में आई। पहले एक साजिश बनाई गई थी कि जहाँ पे ये रोज मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं पीएन राय वहाँ पे जो है इनके ऊपर हमला किया जाएगा, इनको मारपीट की जाएगी, उनको जो है सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक करने गए नहीं इसीलिए वो जो है उनकी गाड़ी को 9:50 जब वो घर से निकलते हैं फॉलो किए और खगौल के पास जाके इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के उद्भेदन के लिए एक SIT फॉर्म की गई थी ASP दानापुर और फुलवाड़ी ASP दोनों की अध्यक्षता में, साथ ही साथ SHO खगौल, SHO दानापुर, SHO रूपसपुर, साथ ही साथ SHO फुलवाड़ी, इनकी एक विशेष टीम बनाई गई थी जो कल जो है अभियान चला उसमें इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 6 और अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं, शूटर्स की पहचान हो गई है। साथ ही साथ पिंकू यादव जो है अभी फरार है उनके विरुद्ध भी पुलिस जो है कार्रवाई करेगी, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पिंकू यादव का कौन है सर, जो गिरफ्तार व्यक्ति है इन दोनों का क्या रोल था सर? जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं मैं आपको अगर इसका प्राइस डायनेमिक समझाऊं तो ये था कि हर गार्ड को बहाली करने के लिए करीब 60,000 रुपया जो है गार्ड से लिया जाता था, उसी में स्प्लिट जो होता था 50% पिंकू यादव को जाता था, 20,000 जो है या तो सिक्योरिटी ऑफिसर को। जो राजकुमार है वो सुबह जो जहाँ पे जिस पार्क में ये वर्कआउट करने जाते थे वहाँ पे ये साथ में गए थे, वहाँ पे ये आए नहीं। फिर राजकुमार द्वारा जो शूटर्स हैं फुलवाड़ी के और इधर खगौल के उनको इनके घर की पीएन राय के घर की पहचान कराई गई, लाइनर का काम जो है इनके द्वारा किया गया। राजकुमार जी दोनों की गिरफ्तारी दोनों की गिरफ्तारी ऐसे हुई कि जो वादी हैं क्योंकि उनको पहले से ही आशंका थी कि इन दोनों का इसमें संलिप्तता रही हुई होगी, पहले भी उनके साथ बकझक की गई थी, तो उनके द्वारा जो इनके फ़ोन डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए गए, हमारे द्वारा इन दोनों को बुलाया गया, इनसे पूछताछ की गई, तभी उसमें पता लगा कि जो है इनकी संलिप्तता सामने आई है। अन्य अभियुक्तों की जो जैसे ही हम लोग गिरफ्तार करने पहुँचे इसमें से एक बाउंसर हैं जो एम्स में ही कार्यरत हैं उनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं के द्वारा शूटर्स उपलब्ध कराए गए हैं, वो अभी फरार चल रहे हैं और पिंकू यादव और अन्य अभियुक्त जो हैं इसमें फरार चल रहे हैं। एम्स की सिक्योरिटी में इनने ज्वाइन किया था, इनकी बहाली जिनने की है उसके बारे में अभी तक नहीं पता है, वो पता कर लिया जाएगा। लेकिन अपने आप को ये एसोसिएट बताते हैं पिंकू यादव के, अपने आप को जो है वो भगना भगना बोलते थे पिंकू यादव का, क्योंकि जिस एक इनका दोस्त है जो एक्चुअली में भगना है पिंकू यादव का, उसी के साथ ही बचपन से जो है वो पढ़ाई लिखाई की है, बचपन से उसको जानते हैं, इसीलिए अपने आप को पिंकू यादव का जो है भगना वो बताते हैं। ये गुड्डू जो गुड्डू यादव है ये अभी एम्स का भी गार्ड है, मतलब सिक्योरिटी अफसर। इसमें से जो राजकुमार है वो सिक्योरिटी गार्ड के काम उस पे पद पे कार्यरत है और जो गुड्डू यादव है वो सिक्योरिटी ऑफिसर एक पद ऊपर उससे कार्यरत है। फोन कॉल में बताया गया था कि वर्तमान विधायक का भी नाम दिया गया था कि मैं बड़ा मिस्टेक। आपको किसने बताया? ये वर्तमान विधायक के भाई, भाई का नाम, हाँ जी भाई का नाम पिंकू यादव बोला गया था कि हम पिंकू यादव बात कर रहे हैं जिनको सब वर्तमान विधायक के भाई समझा दिए हम लोग जानते हैं। गुड्डू यादव राजकुमार का इसमें क्या है इन सब का हम डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे अनुसंधान हमारा प्रभावित होगा, जैसे उनको पकड़ेंगे तो हम दोबारा से आप लोगों को अपडेट देंगे। और जो आप लोगों को पुलिस को मिला है पिंकू यादव और प्रेमनाथ राय के बीच में उसमें ये बात क्लियर है कि गुड्डू रजब को पिंकू यादव ने ही रखवाया था? उसमें क्लियर नहीं है, जो हमारे पास ऑडियो क्लिप है उसमें ये कहीं पे भी नहीं है कि गुड्डू यादव को पिंकू यादव ने रखवाया था, इसका एविडेंस हमारे पास अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं है।
नहीं नहीं, वो तो ऑडियो में बोल रहा है कि हमने गुड्डू को रखवाया, वो तुमको काम देगा, हम ही लोग को रखो तो वो तुम्हारा काम करेगा। अगर आपके पास वो वाला ऑडियो है तो हमारे साथ शेयर करें, ठीक कर देंगे जी। अगर आप मुकामा के या बाढ़ के आदमी को रखिएगा तो कोई काम देने वाला नहीं है। हाँ वो तो क्लियर है, हमने तो ये तो हम अपने स्टार्ट से ही प्रेस विज्ञप्ति में पहले से ही बता रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि जो धमकी दी गई थी उसमें ये बोला गया था क्योंकि आपके द्वारा बाढ़ मकामा द्वारा व्यक्ति रखा जा रहा है और कोतवा और हमारे एरिया का नहीं रखा जा रहा है, इसलिए आप कृपा करके हमारे वाले एरिया के लोगों को भी रखें, ये तो डेफिनेटली बोला गया था। पिंकू यादव का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? पिंकू यादव का आउटराइट इन्वॉल्वमेंट है, जो कॉन्स्पिरेसी है उसके मुख्य चीफ जो है वो पिंकू यादव ही है। ये हम लोगों को सूचना भी है कि रीतलाल यादव के घर में ही ये सब सेटिंग हुआ था। तो पिंकू यादव का घर तो वहीं पे है जहाँ पे रीतलाल यादव के। हाँ जी, तो रीतलाल यादव पिंकू यादव का भाई है या उसका ब्रदर इन लॉ है? वो जितना हमारे पास सूचना है वो उनके भाई हैं। भाई है। जी तो क्या सर, अगर पिंकू यादव दोषी पाया जाता है तो रीतलाल यादव पर कार्रवाई की जाएगी? उनकी संलिप्तता आएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जितनी अभी तक संलिप्तता आई है पिंकू यादव की आई है उनको तो हम गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे। तो आपने सुना कि सिटी एसपी अभिनव दीवान ने क्या कुछ कहा, ज़्यादा जानकारी दी उन्होंने, पूरे मामले का खुलासा किया है और आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। अगर जिसकी भी संलिप्तता आएगी उसे बिहार पुलिस गिरफ्तार करेगी और विधायक जी का भाई जो है पिंकू यादव उसे पाताल से भी खोज कर निकाल कर बिहार पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो ये पूरा बड़ा मामला था। जब 22 अगस्त को सुबह ऑफिस जा रहे थे इसी दौरान एम्स के सिक्योरिटी चीफ पीएन राय पर गोलीबारी की गई थी और 4 दिन पहले उनको धमकी दी गई थी और धमकी की बात भी सत्य पाई गई है, जैसा जानकारी मिली है कि कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई है जिसमें विधायक का भाई पिंकू यादव सीधे सीधे धमका रहा है और कह रहा है कि हमारे लोगों की बहाली करो, उस साइट की बहाली क्यों करते हो, मकामा वालों की बहाली क्यों करते हो, हमारे लोगों की बहाली करो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद ये गोलीबारी की घटना होती है और पुलिस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई करने में जुटी हुई है। विधायक जी के भाई को गिरफ्तार किया जाएगा, अगर रीतलाल यादव की संलिप्तता पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी उन पर। तो मैं रियल आई सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।